हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज आप हैंडीक्राफ्ट ऑफ झारखंड जो क्लास 1 के चैप्टर है उसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ए, एक्सप्लोर द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित छोटे प्रश्नों के छोटे उत्तर दीजिए। वन, विच प्लेस डिड द राइटर विजिट, लेखक किस स्थान पर गया था। आंसर, द राइटर विजिटेड टू जोना विलेज फॉर अ वॉक, लेखक घूमने के लिए जोना गांव गया था। टू, नेम एनी फाइव काइंड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड, झारखंड के किन्हीं पांच हस्तशिल्पों के नाम बताइए। आंसर, द नेम्स ऑफ फाइव हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड आर एज फॉलोज, झारखंड के पांच हस्तशिल्पों के नाम इस प्रकार हैं, वुड क्राफ्ट, बंबू क्राफ्ट, मेटल वर्क, स्टोन कार्विंग एंड ऑर्नामेंट्स। थ्री, नेम सम बंबू क्राफ्ट आइटम्स, कुछ बांस शिल्प वस्तुओं के नाम बताइए। आंसर, द नेम्स ऑफ सम बंबू क्राफ्ट आइटम्स आर बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रॉड्स एंड डॉल्स। बांस के कुछ शिल्प वस्तुओं के नाम, टोकरी, चटाई, झाड़ू, मछली पकड़ने की बंसी और गुड़िया हैं। फोर, व्हाट इज स्पेशल अबाउट टूपोदाना क्राफ्ट, टूपोदाना शिल्प में क्या खास बात है। आंसर, द क्राफ्ट्समैन ऑफ टूपोदाना मेक वेरी अनयूजुअल वुडन टॉयज, दे आर वेरी स्पेशल, दे आर टॉल पीसेस वुड पेंटेड टू लुक लाइक ह्यूमन फिगर्स विथ एंगुलर लाइन्स बट नो सेपरेट लिम्स, हैंड्स आर इंडिकेटेड ओनली बाई पेंटिंग लाइन्स ऑन बॉडी। टूपोदाना के कारीगर बहुत ही असामान्य लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, वे बहुत खास होते हैं। वे लकड़ी के लंबे टुकड़े होते हैं जिन्हें मानव आकृतियों की तरह कोणीय रेखाओं के साथ चित्रित किए जाते हैं, लेकिन उनके अलग अलग अंग नहीं होते हैं। शरीर पर रेखाओं को चित्रित करके ही हाथों को दर्शाया जाता है। तो इन चारों शॉर्ट क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर थे जिन्हें आपने देखा। अब इन्हें देखिए, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इन प्रश्नों के लंबे जवाब देने हैं आपको। वन, राइट अबाउट एनी थ्री हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड, झारखंड के किन्हीं तीन हस्तशिल्पों के बारे में बताइए। आंसर, द थ्री हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड विच आर वेरी फेमस आर एज फॉलोज, झारखंड के तीन हस्तशिल्प जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं इस प्रकार हैं, वुड क्राफ्ट, द वुडन टॉयज आर वेरी अनयूजुअल एंड अब्स्ट्रैक्ट हियर, यहाँ लकड़ी के खिलौने बहुत ही अनोखे और भावपूर्ण होते हैं। These toys are long pieces of wood that are painted with angular lines like human figures, but do not have separate limbs. The hands are depicted by drawing lines on the body. ये खिलौने लकड़ी के लंबे टुकड़े होते हैं जिन्हें मानव आकृतियों की तरह कोणीय रेखाओं के साथ चित्रित किए जाते हैं, लेकिन उनके अंग अलग अलग नहीं होते हैं। शरीर पर रेखाओं को चित्रित करके ही हाथों को दर्शाया जाता है। सेकेंड है बंबू क्राफ्ट, यानी बांस शिल्प, यानी बांस की कारीगरी। दिस इज वन मोर पॉपुलर क्राफ्ट ऑफ द स्टेट, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स सच एज बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रॉड्स एंड डॉल्स आर मेड फ्रॉम बंबू। बंबू आइटम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स टू, यह बांस शिल्प इस राज्य का प्रसिद्ध शिल्प है। बांस से बहुत तरह की वस्तुएं जैसे टोकरी, चटाई, झाड़ू, मछली पकड़ने की बंसी और गुड़िया आदि बनाई जाती है। बांस की वस्तुएं विभिन्न त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। थर्ड है मेटल वर्क, यानी धातु शिल्प। द मल्हार, तेंत्री एंड लोहरा कम्युनिटीज इन द स्टेट आर एक्सपर्ट्स
in iron and other metal crafts. The tribal people of the state use metal to make all kinds of weapons, hunting and farming tools like axe, spade, chisel, knife, etc., which are also an important part of their livelihood. इस राज्य में मल्हार, तेंत्री और लोहरा समुदाय लोहे और अन्य धातु शिल्प के विशेषज्ञ हैं। इस राज्य के आदिवासी लोग सभी प्रकार के हथियार, शिकार और खेती के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी, चाकू आदि बनाने के लिए धातु का उपयोग करते हैं, जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. Which problem is being faced by artisans of the state? इस राज्य के कारीगरों को क्या समस्या हो रही है? Answer: It is really sad that many crafts are now dying because machine-made things are replacing handicrafts. So the major problem of the artisans is that they are not able to sell their products in the big market. In the present time, the lesser demand and low income of such handicrafts in the local market is forcing the poor craftsmen to look out for other means of living. यह वास्तव में दुख की बात है कि कई शिल्प अब मर रहे हैं क्योंकि मशीन से बनी चीजें हस्तशिल्प की जगह ले रही हैं। इसलिए कारीगरों की बड़ी समस्या यह है कि वे अपने उत्पादों को बड़े बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। अब वर्तमान समय में स्थानीय बाजार में ऐसे हस्तशिल्पों की घटती मांग और कम आय गरीब कारीगरों को जीवन यापन के अन्य साधनों की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही हैं। 3. Which organizations are promoting handicrafts in Jharkhand? कौन कौन से संगठन झारखंड के हस्तशिल्पों को बढ़ावा दे रहे हैं? Answer: Jharcraft and Kusum are the two organizations of Jharkhand which are promoting handicrafts in Jharkhand. Jharcraft और Kusum झारखंड के दो संगठन हैं जो झारखंड में हस्तशिल्पों को बढ़ावा दे रहे हैं। Jharcraft झारखंड सरकार की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 2006 में झारखंड के किसानों, बुनकरों और कारीगरों के विकास और समर्थन के उद्देश्य से की गई थी, जबकि कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाते हैं। 4. Which handicraft did you like the most? आपको कौन सी हस्तकला सबसे ज्यादा पसंद आई? Answer: I liked the bamboo craft the most because bamboo items are an important part of various festivals like marriage and chhath puja etc. मुझे बांस की हस्तकला सबसे अधिक पसंद आई क्योंकि बांस की वस्तुएं विभिन्न त्योहारों जैसे विवाह और छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5. Describe the sights the writer saw on the way to Jonha Falls. लेखक ने जोन्हा जलप्रपात जाने के समय रास्ते में जिन दृश्यों को देखा उनका वर्णन कीजिए। Answer: On the way to Jonha Falls, the writer saw some typical village sights: a cock crowing, a small boy driving his goats, a woman stepping down a stone well with an aluminum pot on her head, and a farmer walking towards his field with a plow on his shoulders. Jonha Fall के रास्ते में लेखक ने कुछ विशिष्ट गांव के नजारे देखे। बांग देता हुआ एक मुर्गा, अपनी बकरियों को चराता हुआ एक छोटा लड़का, एक महिला अपने सिर पर एक एल्यूमिनियम बर्तन को लेकर एक पत्थर के कुएं में नीचे उतरती हुई और एक किसान अपने कंधों पर हल लेकर अपने खेत की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। अब आइए बी वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स
with the opposite of the underlined words, you can take help of a dictionary. इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उनके अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्दों को खाली स्थानों में भरना है. वन, द शोरूम ऑफ झारक्राफ्ट इज इन द मिडस्ट ऑफ द सिटी बट द प्रोडक्ट्स सोल्ड हियर कम फ्रॉम एवरी यहां भरिए कॉर्नर ऑफ द स्टेट. झारक्राफ्ट का शोरूम शहर के बीच में है लेकिन यहां बिकने वाले उत्पाद राज्य के कोने कोने से आते हैं. अब यहां देखिए मिडस्ट यानी कि बीच में, इसके अपोजिट वर्ड हो गए कॉर्नर यानी कि किनारा. टू, द रोड्स ऑफ द सिटी आर स्मूथ बट इन द रिमोट एरियाज दे आर यहां भरिए रफ. शहर की सड़कें चिकनी हैं लेकिन दूर दराज के इलाकों की सड़कें कच्ची यानी रुखड़ी हैं. अब यहां पे देखिए स्मूथ वर्ड है जिसका मतलब होता है चिकनी और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा रफ यानी कि रुखड़ा या कच्चा. थ्री, द स्ट्रीट्स ऑफ मेन रोड आर वाइट बट इन अपर बाजार दे आर नैरो. रांची के मेन रोड की सड़कें चौड़ी हैं लेकिन अपर बाजार की सड़कें संकरी हैं. यहां पे देख लीजिए वाइट ये क्या है, इसका मतलब होता है चौड़ा और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, उल्टा अर्थ हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा नैरो यानी कि संकीर्ण पतला संकरा. अब आते हैं फोर में, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस कंपनी आर फ्लेक्सिबल बट द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू मेक इट यहां भरिए रिजिड. इस कंपनी के नियम और शर्तें लचीली हैं लेकिन नए प्रबंधक निदेशक इसे कठोर बनाने जा रहे हैं. यहां भी क्या है देखिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ फ्लेक्सिबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है लचीला और इसका उल्टा हो जाएगा रिजिड यानी कि कठोर. अब आइए फाइव, झारक्राफ्ट इज ट्राइंग टू कीप अलाइव यहां लाइव भरना है द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड. झारक्राफ्ट झारखंड की लगभग विलुप्त हो चुकी कलाओं और शिल्पों को जीवित करने का प्रयास कर रहा है. अब यहां देखिए बाद में दिख रहा है खालिस्तान के बाद में एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त यानी खत्म होते जाना मरते जाना जिसका उल्टा अर्थ हो जाएगा अलाइव यानी कि जीवित रखना. तो समझ में आ गया होगा इसका जो चैप्टर है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन हिंदी का है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाइए, इसके बाद बेल आइकन और ऑल बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और फिर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11th और क्लास 12th ग्रेजुएशन और ग्रामर के सारे वीडियो को देख सकते हैं. कोई भी समस्या होने पर आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा. तो इसका नोट्स बनाइए, इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके. तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.